सूरज बड़जात्या की सलमान को लेकर बनाई गई हर फिल्म में सलमान एक जैसे नजर आते हैं। नाम होता है प्रेम और वह सहृदय, मासूम, संस्कारी और खुशियां बांटने वाला शख्स होता है। सलमान के किरदार की यही खासियत हमें सूरज की ताजा फिल्म प्रेम रतन धन पायो में भी नजर आती है। बस स्थान, माहौल और कहानी बदल गई है। कहानी है अयोध्या में रहने वाले प्रेम की। वह राजकुमारी मैथिली का प्रशंसक है जो उपहार के जरिए गरीबों की मदद करती है। मैथिली से मिलने के लिए प्रेम प्रीतमपुर जाने का फैसला करता है, जहां राजकुमारी अपने मंगेतर विजय सिंह के राज तिलक में हिस्सा लेने जाने वाली है। विजय सिंह एक जानलेवा हमले में खाई में गिर जाता है, लेकिन उसका विश्वास पात्र दीवान उसे बचा लेता है। घायल विजय की जगह दीवान केवल 4 दिनों के लिए प्रेम को विजय सिंह बनाकर पेश कर देता है, क्योंकि ये दोनों हम शक्ल हैं। प्रेम को पता चलता है कि विजय सिंह और उसकी सौतेली बहनों के रिश्ते में खटास है, इसे वह अपने सुमधुर व्यवहार से मिठास में बदल देता है। विजय सिंह और मैथिली एक दूसरे को नापसंद करते हैं, लेकिन मैथिली के नजदीक रहकर प्रेम उसका दिल जीत लेता है। इस प्रेम कहानी में तब ट्विस्ट आता है जब विजय सिंह ठीक होकर वापस आता है। फिल्म की कहानी सूरज बड़जात्या ने लिखी है, जो फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है। राज परिवार की कहानी को उन्होंने वर्तमान समय में फिट किया है, जो कि ठीक नहीं लगता। यदि वे इस कहानी का समय 50 वर्ष पहले का रखते तो ज्यादा बेहतर होता। प्रीतमपुर को भारत में दिखाया गया है, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि इस शहर में भारत सरकार के कायदे कानून है। कार की नंबर प्लेट पर प्रीतमपुर 7 लिखा है, जबकि भारत के किसी भी शहर में इस तरह की नंबर प्लेट का चलन नहीं है। लोग शाही परिवार को इतना सम्मान देते हैं जैसा कि 150 बरस पहले दिया जाता था। इस तरह के नकलीपन फिल्म में इस कदर हावी है कि कहानी पर यकीन नहीं होता। सूरज बड़जात्या जैसे लेखक और निर्देशक ने स्क्रिप्ट की कुछ कमियों पर ध्यान नहीं दिया, जो कि आश्चर्य की बात है। विजय खाई में गिरता है, लेकिन पीठ के सिवाय उसे शरीर में कहीं भी खरोंच तक नहीं आती। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाने के बजाय उसका इलाज एक गुप्त स्थान पर किया जाता है, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। खलनायक इतने मूर्ख हैं कि राज की बातें अजनबियों के सामने करते हैं। फिल्म की शुरुआत में रामायण को लेकर नौटंकी, एक फुटबॉल मैच जैसे कुछ आइटम्स भी मनोरंजन के लिए डाले गए हैं, लेकिन ये अपने मकसद में नाकामयाब रहे हैं। निर्देशक के रूप में सूरज ने स्क्रिप्ट पर कम तथा भव्यता पर ज्यादा ध्यान दिया है। सेट, लोकेशन, कॉस्ट्यूम जबरदस्त हैं। प्रेम के किरदार को दर्शकों के दिलों में उतारने में वे सफल रहे हैं। उन्होंने एक साफ सुथरी और संस्कार की घुट्टी पिलाने वाली पारिवारिक फिल्म जरूर बनाई है, लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण बीते दौर की फिल्मों जैसा है। कुछ सीन उन्होंने अच्छे रचे हैं जो दर्शकों को भावुक कर देते हैं। सोनम कपूर और सलमान खान के बीच एक रोमांटिक सीन भी जबरदस्त है। कहानी को ठीक से समेटने में सूरज लड़खड़ा गए हैं और शीश महल में फाइटिंग सीक्वेंस बोरियत पैदा करता है। फिल्म का संगीत औसत है, बोल अच्छे हैं, लेकिन धुन उस स्तर की नहीं है। सलमान खान फिल्म की लाइफलाइन है। वे इस बेजान कहानी में थोड़ी बहुत जान फूंकते हैं। उन्होंने अपने किरदार को वो सरलता, सच्चाई और भोलापन दिया है जो कैरेक्टर की डिमांड थी। एक राजकुमारी के किरदार को सोनम ने अपने लुक्स और एटीट्यूड से गरिमा दी है, हालांकि उनके लिए करने को बहुत ज्यादा नहीं था। सलमान और सूरज की जोड़ी ऐसी है जिससे दर्शकों की उम्मीद आसमान छूती है। इस उम्मीद पर सिर्फ सलमान ही खरे उतरे हैं। इस फिल्म को मैं 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ।